हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश। आप देख रहे हैं एशियन टेक्नोलॉजी। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको पता होगा, पिछली दफ़ा हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से हम वेरिएबल बना सकते हैं, उस पर किस तरीके से हम वैल्यू रख सकते हैं, उसके बाद में वैल्यू को किस तरीके से हम जोड़ के ऐड करके उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस बार हम पढ़ने जा रहे हैं कि यूजर से किस तरीके से हम इनपुट लेते हैं उसका नाम, उसके बाद में उसका नाम इनपुट ले के उसको बताएंगे कि भाई तेरा नाम ए है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए एक सिंपली पहले हम उसका एक फाइल बना लेंगे। फाइल जो है टच प्रोग्राम का नाम लिख देंगे पहले। तो क्या लिखें? यूजर अंडरस्कोर इनपुट डॉट पी वाई। बड़ा हो गया क्या? छोटा करते हैं। यूजर इनपुट, बस छोटा सा है। यूजर इनपुट टी को भी कैंसिल करते हैं, एक पूरा लिख देना। चलिए आपको कन्फ्यूजन ना हो। यूजर अंडर स्कोर इनपुट डॉट पी वाई। चलिए बन गया फाइल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया। चलिए को इसको ओपन कर लेते हैं। बहुत आसान है ये पढ़ना भी, और आपको अगर आपको ये पाइथन आ गया तो आप फ्यूचर में बहुत अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हैं, और आप अच्छा अच्छा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप अच्छी खासा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं। तो पाइथन में जावा की तरह डिफ़िकल्ट नहीं है पाइथन। जावा में क्या होता है कि आपको अगर यूजर से इनपुट लेना होता है तो वहाँ पे स्कैनर एक ऑब्जेक्ट का कोई नाम इक्वल टू न्यू स्कैनर, आपको शायद याद होगा, इस तरीके से आपको बनाना होता है। सिस्टम डॉट इन, उसके बाद में यूजर का इनपुट आएगा। तो इनपुट आने के बाद फिर उसको देखना कि इंटीजर इनपुट कर रहा है कि स्ट्रिंग इनपुट कर रहा है। लेकिन यहाँ जो है पाइथन में बहुत इजी कर दिया है, इसको कुछ भी नहीं करना है। आपको यूजर से पहले इनपुट लेते हैं, इनपुट फ्रॉम यूजर। ये हैश साइन का मतलब कमेंट है। पहले यूजर से इनपुट लेते हैं उसका नाम। तो नाम इनपुट लेते हैं तो पहले नाम ले लेते हैं कि उसका नाम क्या आ रहा है। तो जो भी नाम उसका आएगा ना, उस पर हम नेम पे साइन कर देंगे। तो इनपुट करने के लिए यहाँ पे बहुत आसान है, आपको बस इनपुट लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए इंटर योर नेम। अब उसके बाद में वो क्या कर देगा कि अपना नाम इंटर कर देगा। जो भी अपना नाम इंटर करेगा वो नाम आ जाएगा इस पे, नेम वाले वैल्यू पे आ जाएगा। उसके बाद में हम उसको उसका नाम जो है प्रिंट कर देंगे। तो फिर से बताता हूँ, प्रिंट यूजर नेम। ये वो है, आपको नहीं लिखना तो कोई मतलब नहीं, मैं तो आप कमेंट के लिए लिख रहा हूँ कि आपको बाद में याद रहे। तो प्रिंट कर देते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि उसका नाम प्रिंट कर देते। पहले हम दिखा देते हैं कि तेरा नाम ही है भाई, हो गया ना। अब यहाँ पे पहले मैं क्लियर करता हूँ। अब देखिए क्या करेगा कि यूजर एक नाम इंटर करेगा, जो भी नाम इंटर करेगा वो नाम आ जाएगा नेम पे, उस नेम को हम यहाँ प्रिंट कर देते हैं। इसका मतलब क्या कि जो भी जो यूजर नेम इंटर करेगा वो हम यहाँ पे प्रिंट कर देना है हमें। तो चलिए हम पाइथन लिखते हैं और यूजर अंडर स्कोर इनपुट डॉट पी वाई इंटर करते हैं। देखिए क्या कह रहा, इंटर योर नेम कह रहा। तो मैं अपना नाम लिखता हूँ राजेश, इंटर कर दीजिए। ये देखिए राजेश प्रिंट हो गया। इस तरीके से आप अब यहाँ पे और भी कर सकते हैं कुछ, आप जो आप करवाना चाहें उससे, जो यूजर से करवाना चाहें आप यहाँ पे और करवा सकते हैं। जैसे कि ये भी हो गया, इंटर आ गया ना, फर्स्ट नेम आ गया। जैसे कि आपको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम अंडरस्कोर नेम, इंटर योर फर्स्ट नेम। तो पहले बार क्या करेगा, वो फर्स्ट नेम इंटर कर देगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर सेकेंड नेम करवाना है। लास्ट नेम कर देते हैं, लास्ट नेम या सेकेंड नेम या थर्ड नेम, जो आप जो चाहें इनपुट करवा लें सेकेंड नेम को भी। इंटर योर लास्ट नेम, अब लास्ट नेम भी वो कर देगा। तो फर्स्ट नेम भी आ गया, लास्ट नेम भी आ गया। उसके बाद दोनों को हमें क्या करना है, फुल नेम पे ऐड कर देना है, फुल अंडरस्कोर नेम। अब इस पे क्या कर देना, ऐड कर देना है फर्स्ट नेम को और सेकेंड नेम को, फर्स्ट नेम प्लस सेकेंड नेम लास्ट नेम है, लास्ट नेम। अब यहाँ पे क्या कर देना, उसको लास्ट नेम को प्रिंट कर देना है, या जो आपको प्रिंट करना चाहें आप प्रिंट करवा लें। फुल नेम करवाता हूँ,
फुल नेम को प्रिंट करवाता हूँ, आप यहाँ पे आइए इंटर कर दीजिए। ये देखिए मैं पहले अपना नाम लिखता हूँ राजेश, बोला कि सेकंड नेम इंटर करवाई, सेकंड नेम भी इंटर कर रहा हूँ यादव। अब देखो क्या हो रहा है। अच्छा ये क्या कह रहा है कि ट्रैकिंग मस्ट रिसेंटली कॉल लास्ट द फुल फाइल इनवर इनपुट लाइन नंबर फाइव इधर मेडुअल लाइन नंबर फाइव मतलब नंबर फाइव फाइव मतलब यहाँ पे है तो फुल। अच्छा देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्या है कि ये फुल नेम पे ही फुल नेम ऐड करवा रहा हूँ मैं, यहाँ फुल नेम नहीं है ये फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, तभी तो बोल रहा कि भाई तेरा गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। अच्छा पहले क्लियर कर लेता हूँ, मुझे लग नहीं नहीं पहले एक बार रनिंग कर देता हूँ। राजेश हो गया, बोला सेकंड नेम इंटर कर, यादव हो गया, अब देखो राजेश यादव। अच्छा आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार फिर से करता हूँ उसको कि यूज़र _ इनपुट डॉट फाइव फर्स्ट नेम इंटर कर बोल रहा है राजेश कर दिया, सेकंड नेम बोल रहा है यादव कर दिया। अब देखिए क्या हो गया कि राजेश यादव आ गया यहाँ पे, यानी कि दोनों यहाँ पे आ गया। आपको समझ आ गया होगा शायद कि पहला नेम राजेश फर्स्ट नेम पे आ गया, सेकंड नेम लास्ट नेम पे आ गया, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऐड हो गया, ऐड होने के बाद में फुल नेम पे आ गया, फुल नेम यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये, या आप इस तरीके से भी यह करवा सकते हैं कि यहाँ पे साइन लगा लें। अब यहाँ पे लिख लें आप योर फुल नेम इज, इस कर दें और उसको हम यहाँ पे आप ऐड कर दें, यानी कि ये स्ट्रिंग है, यानी कि ये सेम प्रिंट कर देगा, जैसे कि आप प्रिंट करवा रहे थे ना हेलो वर्ल्ड, उस तरीके से इसे प्रिंट कर देगा। उसके बाद में ये ऐड कर देगा, ऐड करेगा क्या इसका वैल्यू, जो भी यहाँ वैल्यू आएगा। चलो तो करके देखते हैं एक बार, ये देखियो राजेश क्या हो रहा है भाई कुमार। अब देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे। अच्छा इसको मैंने सेव नहीं किया यार, क्लियर करते हैं पहले। अच्छा थोड़ा सा इसे हम बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे ऊपर ले आते हैं, अभी अच्छा रहेगा, स्पेस भी हो जाएगा। तो पाइथन यूजर _ इनपुट डॉट फाइव फर्स्ट नेम बोल रहा है कर दिया, सेकंड नेम बोल रहा है कर दिया। अब देखो योर फुल नेम इज ये आ गया, यानी कि जो योर फुल नेम इज है ये यहाँ से आया है यहाँ से, और जो ये नेम है ये वाला यहाँ से आया है, यानी कि ये जो पार्ट नेम है पार्ट यहाँ से आया फुल नेम, यानी कि यहाँ से आया, यहाँ से मतलब ये भी और ये भी ऐड हुआ है, यानी कि जो ये दोनों आया है ना फर्स्ट से और सेकंड से ऐड होकर यहाँ पे आया है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और लेके, तो अभी तक के लिए टाइटन गुड बाय। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं करना है तो बंद करिए, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगता है आप देखते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाइटन गुड बाय।